नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना ने 15 अगस्त वाले दिन संन्यास ले लिया था और उसके बाद दोस्तों IPL से भी बाहर हो गए थे सुरेश रैना। मगर दोस्तों अब खबर ऐसी सामने निकल के आ रही है कि आने वाले समय में यानी कि इसी महीने की लगभग एंड में सुरेश रैना की मैदान पर वापसी हो सकती है। तो गाइस अगर आप भी सुरेश रैना की वापसी होते हुए देखना चाहते हो दोबारा से मैदान पर और आप भी सुरेश रैना के बहुत ही बड़े जबरा फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सुरेश रैना ने CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग की टीम में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। धोनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते थे सुरेश रैना और अपनी टीम को हारे हुए मैच को भी जिता ले जाते थे। मगर दोस्तों IPL 2020 के 13वें जो सीजन हुआ था दुबई में, वहां पर अपनी कुछ पर्सनल बातों का हवाला देते हुए सुरेश रैना दुबई में कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद भारत लौट आए थे और दोस्तों उसके बाद दोबारा से वापसी नहीं कर पाए और दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि CSK की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लगभग नंबर 7 या दोस्तों नंबर 8 बोल को नीचे पायदान पे चली गई थी पॉइंट टेबल पे। मगर दोस्तों अब खबर सामने निकल के ऐसी आ रही है कि सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए उत्तर प्रदेश की संभावित 26 सदस्य टीम में रैना का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश ने सोमवार को 26 सदस्य टीम की घोषणा कर डाली थी जिसमें सुरेश रैना का नाम भी शामिल था। तो गाइस आप खुद सोच समझ सकते हो कि सुरेश रैना दोबारा से मैदान पर वापसी करने वाले हैं, जबकि दोस्तों सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ 15 अगस्त को 7:29 पर संन्यास ले लिया था। मगर दोस्तों संन्यास के बाद दोबारा से वापसी करते हुए आपको नजर आएंगे सुरेश रैना। या दोस्तों 15 अगस्त को संन्यास लेने के बाद आपको दोबारा से वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। सभी खिलाड़ी सुरेश रैना सहित 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में क्लब में यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइस आप सोच समझ सकते हो कि 27 दिसंबर यानी कि इसी 27 तारीख को सुरेश रैना की मैदान पर वापसी हो सकती है। और दोस्तों IPL 2021 के 14वें जो सीजन है उसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे CSK की ओर से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो कि सुरेश रैना की मैदान पर वापसी हो तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और दोस्तों हाँ, क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए YouTube News 24।